नमस्कार, मैं हूं नीतीश पटवा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सीतामढ़ी, शुक्रवार का नए DDC तनजोत सिंह ने अपना प्रभार सीतामढ़ी समाहरणालय पहुंचकर ग्रहण किया। पूर्व DDC प्रभात कुमार ने नए DDC को कागजी प्रक्रिया पूरी कर प्रभार सौंपा। करनजीत सिंह ने समझने वाले पहुंचकर DM को पुष्प गुच्छ देकर शिष्टाचार मुलाकात की। इसके बाद वे अपने DDC कार्यालय पहुंचे, जहां प्रभात कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रभात कुमार ने कार्यालय की चाबियां समेत जिले के हलेश्वर स्थान मंदिर की चाबियां भी सौंपी। विदित है कि हलेश्वर स्थान मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी जिले के DDC है। इस मौके पर DDC तनजीत सिंह ने कहा कि वे इससे पूर्व दानापुर में SGM के रूप पद पर पोस्टेड थे। उन्होंने कहा, जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनका जनता को लाभ दिलाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि तनजीत सिंह बिहार कैडर से 2017 बैच के IAS अधिकारी है। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, ऐसे में अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सीतामढ़ी के DDC का भी तबादला किया गया था। कानूनी जंग संवाददाता सत्यम व्याहुत की रिपोर्ट। 28 अगस्त को मैंने सीतामढ़ी में DDC का प्रभार लिया है। इससे पहले मैं दानापुर में SDM के रूप में पोस्टेड था, तो वहाँ से यहाँ पर प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र हुआ है, तो मैंने प्रभार ग्रहण किया है। और जो मेरा कार्यकाल रहेगा उसमें जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं और जो अन्य दायित्व हैं, उनका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना ही मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा, ताकि सारी स्कीम्स का लाभ जो है वो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुँचे। और भारमुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जो डेवलपमेंट में स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कार्यकाल के दौरान अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।